हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे, माता रानी करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुना दी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ आज अपने पूजा रूम की सफाई करने। सुबह के एक बार की नहा धो के पूजा पाठ हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि आज अपने पूजा रूम का सफाई कर लूँ, क्योंकि नवरात्रि आने वाला है तो धीरे धीरे करके सारा ही सफाई होगा। मैंने और भी सफाई किया है लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो शेयर करने में। ये पहले का ही, मतलब दो तीन दिन पहले का ही ये मैं कर चुकी हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला शेयर करने के लिए। और भी बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोग को अब देखने को मिलेगा। नवरात्रि का पूजा पाठ मैं कैसे करती हूँ, अकेले ही मैं किस तरीके से कलश रखती हूँ, पाठ करती हूँ, और माता रानी के चौकी मैं किस तरीके से और उनका दरबार सजाती हूँ अच्छे से, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मतलब आप लोग को वीडियो कैसा लगता है मेरा। तो चलिए, यहाँ पे हम अब आ गए हैं अपने पूजा रूम की सफाई करने। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम अपना काम अगर निपटाते रहें, चाहे थोड़ा ही, एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप थोड़ा सा काम अभी कर लेंगे, थोड़ा कुछ देर बाद कर लेंगे, या आप कुछ मतलब पूजा ही कर रहे हैं, मैं मान लीजिए एक पूजा ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम उस टाइम कर लीजिए। तो इस तरीके से काम कर करके बहुत ही आसान हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आज पूजा रूम का और कल कर लूँगी किचन का, ऐसे करके फिर फ्रिज व्रिज जितना सब सफाई साफ सफाई है, इस तरीके से कर लेने से काम धीरे धीरे करके पूरा ही ख़त्म हो जाता है और आपको थकान भी नहीं लगती है। मैंने जितना सारा कपड़ा वपड़ा है भगवान जी लोग का पहले ही धो दिया है, बर्तन वर्तन भी मैंने पहले ही धो दिया है। तो इस तरीके से करके मैं करती हूँ तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और ये मेरा पूजा रूम थोड़ा बड़ा है तो इसमें कुछ कुछ सामान और रखे हैं, जैसे कि मतलब वही चौकी है और पूजा का भी जितना सामान है, ये देखिए ऊपर वाले रैक पे पूजा का जितना और एक्स्ट्रा सामान जो रोज यूज में होता है वो है, और भी बहुत सारे बर्तन वर्तन हैं वो नीचे वाले रैक में रखी हूँ, और दो एक्स्ट्रा दो दो कुछ कुछ सामान है जो है इस साइड में आपको दिखाऊंगी। और बाकी मतलब थोड़ा बड़ा रूम है ये, प्रॉपर पूजा रूम के लिए नहीं बना था ये, दूसरी चीज़ के लिए बना था, लेकिन अभी हम लोग इसमें ही पूजा करते हैं। बाकी जब भगवान ऐसा करेंगे देंगे तो ज़रूर हम लोग पूजा रूम अच्छे से बनवाएँगे, तो अभी हम यहीं पर करते हैं। तो जितना भी भगवान जी लोग हमारे हैं ऊपर नीचे सब मैंने हटा लिया है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाई हूँ बड़ा सा टेबल, उसी पे चढ़ के कर रही हूँ। और बाकी ये देखिए ऊपर का जितना भी है, मतलब सबसे ऊपर वाला में भी एक दो सामान है बस, और कुछ है नहीं, बस पूजा वाला ही है, जैसे कि एक चूल्हा वाला वो होता है पूजा पाठ के लिए रखते हैं हम लोग, तो वो है। और इसके बाद बस घी हुई है ऊपर, ये देखिए तो वही है और कुछ ज़्यादा सामान है नहीं। और इसको भी मैं झाड़ के और पेपर बदल लूँगी और जितना भी है इधर का भी सब मैं कर लूँगी अच्छे से। और इस साइड जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी का अलमीरा है, और इसमें हम लोग रखते हैं जितना पूजा पाठ का, ये देखिए किताब, जितना भगवान जी लोग का कपड़ा, मतलब सब पूजा पाठ से ही रिलेटेड, इसमें भी बहुत सारा सामान है पूजा का ही, तो वो सब देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं इसको मेरी बेटी बनाई थी दिवाली के टाइम, उससे क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड से इस तरीके से दिवाली का घर बनाई थी। और यहाँ पूजा वाले रैक को भी मैंने सारा अच्छे से वो कर दिया है, पेपर ऊपर सब हटा दिया है, सारे भगवान जी लोग को हटा के अच्छे से इसको क्लीन करेंगे पहले। और जितना भी बर्तन ये सब पूजा के लिए रखते हैं हम लोग वो है, और यहाँ भी नीचे भी झाड़ पूछ कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद ऊपर पोछ पोछ के अच्छे से इसको सफाई करके तब मैं यहाँ पे सूख जाएगा, और फ़ैन भी रखी हूँ कि गर्मी के दिन होता है तो भगवान जी लोग के लिए मैं फ़ैन चला देती हूँ,
और ऊपर का भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी, सूख जाएगा तब बिछाऊँगी। तो ये देखिए सूख गया था। इसके बाद मैं यहाँ पे पेपर लगाई और ऊपर में भी जितना दो तीन ऊपर रैक है उस सब में मैंने पेपर लगा दिया और अच्छे से सब एक एक सामान करके मैंने सजा लिया। यहाँ भी जितना मेरा सब सामान है उसको सजा लूँगी। और ये लकड़ी का, मतलब लकड़ी का है सनमाई का, उस पर लगा के, और ये मतलब पूजा वाला थोड़ा छोटा सा ये रैक बनवाए थे अपने दुकान के लिए, अपने शॉप के लिए, लेकिन यहाँ पे दे दिए हैं तो हम लोग इसी में रख के भगवान जी लोग का पूजा करते हैं। और ये है हमारा कृष्ण भगवान का झूला, बहुत ही प्यारा सा, इसमें झूला में रहते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। और इसके बाद मैं यहाँ पे बेड भी बनाई हूँ, सोफ़ा भी बनाई हूँ कृष्ण भगवान के लिए, तो उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैं होममेड ही घर पे ही बनाई थी। और अब हो गया है शाम का टाइम, मैंने पूजा रूम का अच्छे से सब कुछ कर लिया और अब हो गया है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो पौधों वौधों में सब पानी भी डालना था, तो मैं सोची कि चलो ये सब भी कर लेती हूँ। तो मैं पाइप लगा के और चली गई थी, तो नीचे पूरा पानी फैल गया है, पाइप निकल गया था ये देखिए। तो फिर मैं आई और अच्छे से इसको लगाई क्यारी में करके, और तब तक मैं दूसरा काम करूँगी, तब तक ये क्यारी में धीरे धीरे करके पानी भरता रहेगा और फिर आके एक बार देख लूँगी तो फिर बंद कर दूँगी। और अब यहाँ पे देखिए बाबू एक क्लिप बनाया था, ये देखिए हमारे किचन में आते हैं बंदर, और बाबू यहाँ पे बिस्किट दे रहा था, और मैं भी कुछ न कुछ हमेशा देती रहती हूँ, तो वही बाबू भी देखा हुआ था कि मम्मी कुछ देती है, तो सोचा कि चलो मम्मी नहीं है अभी तो ये मैं बिस्किट खिला देता हूँ, और जाके बोल रहा था कि मम्मी मैंने बंदर को बिस्किट खिलाया, और इसके बाद मैंने क्लिप भी बनाया हुआ है, तुम देख लेना। तो ये देखिए ये बाबू खिला रहा है, और वही क्लिप भी बनाया था, तो मैं सोची कि ऐड कर दूँ, क्योंकि वो बोला था कि मम्मी प्लीज़ ऐड कर देना। तो फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी कहाँ तक हुई आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मेरा बहुत सारा काम निपट गया है, वो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए अब रात का हो गया है खाने का टाइम, तो मैंने सब्ज़ी बना लिया है, अब ये बन रहा है पराठा, क्योंकि सब लोग बोला था कि पराठा ही बना दो तिकोना वाला, तो वही मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा अच्छा बुरा जो भी मतलब कि जहाँ भी गलती हो रही है, जहाँ सही हो रही है वो भी आप लोग बता सकते हैं, या जो चीज़ आप लोग को देखना पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।